नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है कि सरकार ने जारी किया महंगाई भत्ता बढ़ाने का आदेश। रक्षाबंधन से पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि किन कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में ज़बरदस्त बढ़ोतरी के आदेश जारी कर दिए गए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ वाले आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुंच सके। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, सातवें वेतन आयोग के तहत प्रदेश की सभी बिजली कंपनियों में कार्यरत नियमित अधिकारी एवं कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग में 4% महंगाई भत्ता मिलेगा। जारी आदेश के अनुसार सातवें वेतन आयोग में कर्मिकों को वर्तमान में मूल वेतन पर 1 जनवरी 2023 से 4% महंगाई भत्ता दे होगा। उन्हें कुल 42% महंगाई भत्ता मिलेगा। कंपनी द्वारा नियमित कर्मिकों को 1 जनवरी 2023 से सातवें वेतन आयोग में 4% की वृद्धि करते हुए कुल 38% की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा था, जिसे 1 जनवरी 2023 से 4% की वृद्धि करते हुए अब कुल 42% की दर से महंगाई भत्ते का भुगतान कंपनी के नियमित कर्मिकों को किया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 23 जून 2023 को सीहोर के बेरुंदा में आयोजित एक सभा में राज्य के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता केंद्र सरकार के बराबर करने का वादा किया था। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री ने 14 जुलाई को निर्णय लेते हुए महंगाई भत्ते को 42% कर दिया। महंगाई भत्ता जनवरी 2023 के वेतन से प्रभावी होगा। जनवरी 2023 से माह जून 2023 तक का एरियर 3 समान किस्तों में दिया जाएगा। छठा वेतन आयोग प्राप्त करने वाले कर्मचारी के मामले में भी महंगाई भत्ते में समानुपातिक वृद्धि की जाएगी। वर्ष 2014 में 30 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को तृतीय समयमान वेतन पहले ही दिया जा चुका है। अब सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को चतुर्थ समयमान वेतनमान प्रदान करने का भी निर्णय लिया है। ऐसे में शासकीय सेवक जिन्होंने 1 जुलाई 2023 अथवा इसके पश्चात 35 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, उन्हें चतुर्थ समयमान वेतन दिया जाएगा। दोस्तों, सरकार ने इस निर्णय से मध्य प्रदेश के करीब 7 लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ होगा। प्रदेश में नियमित कर्मचारियों की संख्या करीब 6,40,000 है। वही करीब 1,10,000 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं। इस तरह कुल 7,50,000 कर्मचारियों को बढ़े हुए डीए का लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।